नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा तक रोने लगेगी। इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए दिए गए बलिदानों की गाथा सुनाते हुए देश में कई स्मृति स्मारक बने हुए हैं। ऐसा ही एक स्मारक बना हुआ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी उपखंड में खजुआ कस्बे के समीप पारादान नामक स्थान पर। बावनी इमली के नाम से जाना जाने वाला यह स्मारक याद दिलाता है अंग्रेजों द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य का। लगभग 150 वर्षों से खड़ा यह इमली का बूढ़ा दरख्त पीढ़ियों को कहानी सुना रहा है उस काले दिन की, जब आज़ादी के दीवानों की टोली के 52 सदस्यों को एक साथ दिन दहाड़े पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। बात उस समय की है जब भारत को गोरों से आज़ाद कराने के लिए हर भारतवासी के दिल में आज़ादी की ज्वाला जल रही थी। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यह ज्वाला चिंगारी बनकर उभरी। इस चिंगारी से उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला भी अछूता नहीं रहा। ठाकुर जोधा सिंह अटैया यहाँ आज़ादी की मशाल लिए अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया का जन्म बिंदकी के अटैया रसूलपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन में इनके पिता ठाकुर अमर सिंह अटैया को लगान ना भरने के आरोप में दरोगा ने पेड़ से बांधकर मार लगाई तथा बाद में तहसील के लॉकअप में बंद कर दिया। किसी तरह से लगान का इंतजाम कर ठाकुर अमर सिंह को घर वापस लाया गया, किंतु इस घटना ने बालक जोधा सिंह के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति घृणा का बीज बो दिया। शायद उस घटना ने ही जोधा सिंह को क्रांतिकारी जोधा सिंह बना दिया। ठाकुर जोधा सिंह रानी लक्ष्मीबाई से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने अपने साथी दर्याब सिंह तथा शिवदयाल के साथ मिलकर अपने गुट में लोगों को जोड़ना शुरू किया। ठाकुर जोधा सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर तात्या टोपे से सीखी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली से अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। 27 अक्टूबर 1857 को जिस दरोगा ने उनके पिता को बंधक बनाया था उसे महमूदपुर गाँव में एक अंग्रेज सिपाही के साथ घेर कर जिंदा जला दिया। 7 दिसंबर 1857 को इन्होंने रानीपुर की पुलिस चौकी पर हमला कर हसला तथा घोड़ों को लूट लिया। इसके दो दिन बाद ही 9 दिसंबर को जहानाबाद के तहसीलदार को बंदी बनाकर सरकारी खजाना लूट लिया तथा सभी किसानों की लगान माफ करवा दी। अंग्रेजी हुकूमत ने जोधा सिंह अटैया को डकैत घोषित कर दिया तथा इनको पकड़ने के लिए इलाहाबाद से ब्रिगेडियर कर्थ्यू को बुलाया गया। 4 फरवरी 1858 की रात को ब्रिगेडियर कर्थ्यू ने जंगल के रास्ते से जाते हुए जोधा सिंह और उनके साथियों पर 500 से अधिक सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर दिया। 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अंग्रेजों को जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ, किंतु कर्थ्यू इनको पकड़ने में नाकामयाब रहा। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए इस बार नई तरकीब निकाली। अंग्रेजों ने गांव के लंबरदारों को मोटी रकम तथा जमीन देने का लालच दिया। उनमें से एक लंबरदार मुखबिरी करने के लिए राजी हो गया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया अपने 51 साथियों के साथ औरंगजेब दुर्ग में ठहरे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर कर्नल क्रिस्टाइल की घुड़सवार सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया को उनके 51 साथियों सहित पारादान नामक स्थान पर इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अमानवीयता की सारी सीमाएं तो तब लांघी गईं जब फांसी पर चढ़ाने के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया कि यदि किसी ने भी इन शवों को उतारने का प्रयास किया तो उसको भी यहीं इनके साथ टांग दिया जाएगा। 1 महीने से भी अधिक वक्त तक ये शव पेड़ पर ही झूलते रहे। इनका मांस चील और गिद्ध नोच कर खाते रहे। 4 जून 1858 की रात को ठाकुर जोधा सिंह के साथी ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलकर इन शवों को पेड़ से उतारा तथा गंगा नदी के शिवराजपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया।
इस घटना के बाद इस इमली के पेड़ का भी विकास कुछ थमसा गया था। स्थानीय लोगों ने यहाँ उन वीर शहीदों की स्मृति में नया पौधा लगाया जो आज भी उनकी गाथा सुना रहा है। लेकिन फिर भी इनका ये बलिदान कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। ज़्यादातर लोग इनके नाम तथा इनके बलिदान से अनभिज्ञ हैं। एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पहले इस घटना के बारे में कहीं से सुन रखा है या आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का ये किस्सा आप तक पहुँचा है? हमें कमेंट करके बताएं तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।